भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्राइवेसी को एक मूलभूत अधिकार ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था 9-0 के रेशो से, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, और निरंतर और लगातार एनडीए भाजपा की सरकार उस उच्चतम न्यायालय के फैसले का निरंतर और लगातार उल्लंघन करती आ रही है। हम कई देर से इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए भाजपा की सरकार एक ऑर्वेलियन स्टेट बनाने जा रही है, और आज जो कुछ खबरें सार्वजनिक हुई हैं उनसे ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि ये जो षड्यंत्र है, ये जो मंसूबा है, इसको बहुत संयोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। सरकार ने सारे नागरिकों के कुछ चिंदा दिनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स सेलफोन कंपनी से मांगे हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इसका औचित्य क्या है। 2013 में यूपीए की सरकार ने जो सीडीआर और फोन इंटरसेप्शन और जो साइबर कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन है उसके जो कानून है उसको चुस्त दुरुस्त किया था, और एनडीए भाजपा की सरकार उन सारे नियमों कानूनों को शिथिल करते हुए, सारे नियमों कानूनों को तोड़ते हुए रोज आम नागरिक के प्राइवेसी के ऊपर हमला कर रही है। ये जो आज खुलासा हुआ है ये बहुत ही संवेदनशील है, और एक नागरिक के जो मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं ये उनके ऊपर कुठाराघात है, और हम सरकार से जवाब मांगेंगे और सरकार से ये पूछेंगे कि किस कानून के तहत, किस प्रावधान के तहत सरकार सारे नागरिकों के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो कॉल रिकॉर्ड्स इस तरह से मोबाइल कंपनियों से, सेलफोन कंपनियों से तलब कर सकती है। देखिए, आपको मालूम है कि हाउस की प्रक्रिया क्या है, और हर चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया जाता, पर जहाँ तक आप समझ सकते हैं कि हम इस बात को बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता से ले रहे हैं, और इसलिए सुबह 10:30 बजे हमने आप लोगों को तकलीफ दी है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें।